हेलो फ्रेंड्स, इनके प्रोसेस स्किल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 9 मॉडलर स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन। तो ये हमारा 9 मॉडलर स्विच बोर्ड है, इसमें 3 सॉकेट और 3 स्विच लगे हुए हैं। आज हम इस बोर्ड का कनेक्शन करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों इस बोर्ड का वायरिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हम स्विच में फेज का वायर का कनेक्शन करेंगे। तो ये फर्स्ट स्विच है, ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में और उसके बाद दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में और दूसरे स्विच से तीसरे स्विच में कनेक्शन करेंगे। तीनों स्विच को आपस में लूप कर देंगे। ये फेज का वायर है, तीनों फेज 1 2 3 तीनों स्विच को आपस में लूप कर देंगे। अब हम करेंगे सॉकेट का ऑन ऑफ का कनेक्शन। तो इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इस सॉकेट के टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे। ये हमारा लाइन का टर्मिनल है, देख सकते हैं गाइस आप। एक स्विच सॉकेट का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, अब इस दूसरे स्विच से दूसरे वाले सॉकेट के टर्मिनल में जहाँ पे लाइन लिखा हुआ है वहाँ पे देंगे। अब ये तीसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से तीसरे सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे। देखिए गाइस, हमारा ये फेज का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। ये पहले स्विच से दूसरे स्विच में लूप किए, दूसरे स्विच से तीसरे स्विच में। अब ये सॉकेट का ऑन ऑफ का कनेक्शन है, ऊपर वाले टर्मिनल से ए लाइन वाले टर्मिनल में, फिर दूसरे का ऊपर वाले टर्मिनल से लाइन वाले टर्मिनल में, तीसरे का ऊपर वाले टर्मिनल से लाइन वाले सॉकेट के टर्मिनल में। ये हमारा फेज वायर कंप्लीट हो गया। अब हम करने वाले हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। ये हमारा काला वाला वायर न्यूट्रल का है, तो ये न्यूट्रल का टर्मिनल है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिखा हुआ। तो ए इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में, इस न्यूट्रल वाले टर्मिनल से इस टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे। तीनों न्यूट्रल को लूप कर देंगे। ये हमारा न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट हो गया, पहले वाले न्यूट्रल से दूसरे वाले सॉकेट के न्यूट्रल में, फिर तीसरे न्यूट्रल में। ये हमारा न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट हो। अब बचा है अर्थिंग का। ये हमारा अर्थिंग है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों अर्थिंग को आपस में लूप कर देंगे। तो हम वायर सभी का काट के रख लिए थे पहले से कि वीडियो लंबी ना हो। तो पहले वाले अर्थिंग से दूसरे सॉकेट के अर्थिंग में,
और दूसरे वाले से ये तीसरे वाले में। ये हमारा 9 मॉड्यूलर 3 स्विच और 3 सॉकेट का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं गाइस, लू कर दिए हैं। अब ये सॉकेट का ऑफ का वायर ऑफ का कनेक्शन करेंगे, तो पहले वाले स्विच से इसके लाइन में कनेक्शन कर दिए, फिर दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इस सॉकेट के लाइन, जहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, उस टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर तीसरा वाला स्विच है तो तीसरा सॉकेट का कनेक्शन, तो ऊपर वाले टर्मिनल से ये सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारा लाइन का कंप्लीट हो गया। अब हो गया बचा है न्यूट्रल का, ये ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल है, तो तीनों सॉकेट के जहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, न्यूट्रल वायर टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस बोर्ड में सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई लाइन न्यूट्रल और अर्थिंग का सप्लाई देंगे, सर्किट लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड को लगाते समय यहाँ से हम वायर अंदर लेंगे और वायर को थोड़ा छिलें, इस में सप्लाई देंगे। तो ये हमारा ये तीनों फेज है, कहीं भी आप इस फेज वाला वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, तीनों वायर शॉर्ट है, तो हम इस टर्मिनल में कनेक्शन कर देते हैं इस फेज वाले वायर को। ये हमारा ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का है, तो ये न्यूट्रल वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। और सभी वायर को अच्छे से टाइट कर दें, लूज रहेगा तो इस पार करके सॉकेट जल जाएगा। ये हमारा लाइन का कनेक्शन हो गया, ये न्यूट्रल का कनेक्शन, अब हमारा अर्थ बचा है, अर्थिंग का। तो ये ऊपर वाला टर्मिनल जो है ये अर्थिंग का है, हरा वाला वायर, ग्रीन वाला वायर अर्थिंग है, तो हम अर्थ का कनेक्शन कर देते हैं। अब हम इस बोर्ड को बंद करके और बोर्ड में सप्लाई दे करके, पावर दे करके बोर्ड को चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है। इसका स्क्रू हम लगा दें, इसका स्क्रू का कवर है, इसमें लगा लेते हैं। अब हम इसमें पावर सप्लाई दे करके इस बोर्ड में चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस बोर्ड में सप्लाई दे दिए हैं, उसके बाद ये हमारा एक टेस्ट लैंप है, इसमें पावर दे करके हम चेक कर लेते हैं। ये हमने स्विच ऑन कर दिए हैं, ये हमारा बोर्ड चालू हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सीरीज टेस्ट लैंप भी है, इस बोर्ड में पावर आ गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।